नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी चल रही है। बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा जल्द एक बार फिर अपना घर बसा सकती है, लेकिन इस बीच हाल ही में अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा है जिससे माना जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन ने अभी तक अपने रिलेशन को ऑफिशियल नहीं किया है। दोनों अब दुनिया की परवाह किए बिना एक साथ नजर आते हैं। माना जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन सकते हैं, लेकिन हाल ही में अर्जुन कपूर ने खुद को सिंगल बताया है। जी हां, अर्जुन कपूर ने खुद को सिंगल बताया है। दरअसल हाल ही में अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया में लिखा कि मेरे क्राइम पार्टनर विक्रम यानी कि रणवीर सिंह और नंदिता यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने मुझे छोड़कर इस वैलेंटाइन को नया पार्टनर ढूंढ लिया, लेकिन टेंशन नहीं लेने का अली भाई, क्योंकि अपना टाइम आएगा। दरअसल जैसा कि सभी जानते हैं कि दिसंबर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने शादी कर ली, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग अपना घर बसा लिया। ऐसे में अर्जुन कपूर अकेले रह गए और इसी चीज को उन्होंने इंस्टाग्राम पर बयां किया है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि अर्जुन कपूर सिंगल है। दरअसल उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर ऐसा ही जाहिर होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अर्जुन कपूर की खिचड़ी मलाइका के साथ ना पक रही हो। वैसे काफी समय से ऐसा सुनने में आ रहा था कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है। काफी समय तक दोनों स्टार्स अपने रिलेशन को छुपाते रहे, लेकिन अब मलाइका और अर्जुन खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। अर्जुन कपूर हमेशा से एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्हें कई बार मलाइका के गर्ल गैंग के साथ भी देखा गया है। बहरहाल इस बीच अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बड़ी बात लिखी है जो शायद मलाइका अरोड़ा को भी ठेस पहुंचा सकती है। बहरहाल देखना तो ये भी होगा कि अर्जुन कपूर की इस पोस्ट के पीछे आखिर असल राज है क्या। खैर, आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या अर्जुन और मलाइका का सच में ब्रेकअप हो गया है, और अर्जुन कपूर के इस पोस्ट के पीछे आखिर माजरा क्या है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।